Hey guys, welcome to the second video of my SEO training series, जिसमें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को SEO को एज अ सर्विस फ्रॉम स्क्रैच क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हो. मैं आपको SEO सिखाऊंगा और मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से SEO को पैकेज कर सकते हो एज अ सर्विस एंड क्लाइंट को चार्ज कर सकते हो आप. तो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरह से गूगल काम करता है, बिकॉज लाइक आई सेड, जब तक आपको पता ही नहीं गूगल कैसे काम करता है, आप किस तरह से क्लाइंट को रिजल्ट दोगे, किस तरह से आप इसको सर्विस प्रोवाइड करोगे. तो वेरी बेसिक्स स्टफ, बट लेट्स गेट टू अंडरस्टैंड इट. सो पहली बात समझने की ज़रूरत है, गूगल को क्या चाहिए. तो पहली बात हमें समझना चाहिए कि यह है कि गूगल एक बिजनेस है, ठीक है. दे आर मोर लाइक अ सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका ऑफिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड हर बिज़नेस की तरह पैसा कमाना चाहते हैं. तो गूगल क्या चाहता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है. तो वॉट गूगल वॉन्ट्स इज दैट लाइक एनी अदर बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वॉन्ट टू मेक मोर मनी, दे वॉन्ट टू बी प्रॉफिटेबल. एंड प्रॉफिटेबल होने के लिए दे वॉन्ट टू ग्रो एंड रिटेन इट्स यूज़र बेस. अपने चाहते कि ज़्यादातर लोग गूगल को यूज़ करें. इट वॉन्ट्स अस टू कीप गूगलिंग थिंग्स इवन बिफोर वी थिंक अबाउट देम. कि आजकल हम कुछ भी दिमाग में आता है पहले गूगल करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में बाद में, बिकॉज मोबाइल पे गूगल चलता है फटाफट. आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स. एंड गूगल वॉन्ट्स टू शो सुपर रेलिवेंट रिजल्ट्स, एंड जो सबसे रेलिवेंट और करंट रिजल्ट्स हैं गूगल आपको वो दिखाना चाहता है. एंड ज़्यादा जितना हम गूगल को यूज़ करते हैं, जिस सर्च क्वेरीज हम करते हैं, उतना ही गूगल को एड रेवेन्यू मिलता है. फॉर एग्जांपल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन आप देख रहे हो कि अगर हम बिगिनर योगा क्लास कर रहे हैं तो साथ में ऊपर और राइट साइड एड्स आ रहे हैं, एडवर्ड्स के एड्स हैं. तो जितना यूज़र्स गूगल को यूज़ करेंगे उतने ही एड इम्प्रेशन आएंगे और उतने ही लोग इन एड्स को क्लिक करेंगे, उतनी ही कमाई गूगल की होती है. तो इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए गूगल चाहता है कि इसके लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एप्लीकेशन को, गूगल को यूज़ करें ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सकें. एंड गूगल वॉन्ट्स टू डू द एंटायर थिंग, कि रिजल्ट्स आपको सर्च करते हो और रिजल्ट जो आपके आते हैं गूगल वॉन्ट्स टू डू इट इन द मोस्ट, इन द क्विकेस्ट एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे. जल्द से जल्द रिजल्ट मिल जाए यूज़र्स को कम से कम समय में, और उसके लिए उसका कम से कम पैसे खर्च हों. बिकॉज गूगल का आपको पता होगा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके सर्वर्स होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं. प्रोग्रामिंग में जो गूगल का सॉफ्टवेयर इवॉल्व करने में इट हैज़ टू इन्वेस्ट एज वेल. तो उसकी हमेशा कोशिश होती है कि कम से कम पैसा खर्च करके जो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है कम से कम रखी जाए, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो. तो जो हर बिजनेस में होता है वो इनका भी होता है. एंड इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू से लाइट ईयर्स अहेड ऑफ पीपल हु वॉन्ट टू गेम इट्स एल्गोरिथम टू अचीव हायर रैंकिंग्स. तो गूगल के पास एक ये चैलेंज रहता है कि जो SEOs मैनिपुलेट करते हैं गूगल के एल्गोरिथम को, करते आए हैं, उनको किस तरह से काउंटर करना है कि वो गेम ना करें. फॉर एग्जांपल देयर आर प्लेंटी ऑफ कंपनीज एंड आई थिंक द बिगेस्ट एग्जांपल इज़ याहू, स्पेशली योर मैसेंजर, जो कि चैटबॉट्स की वजह से, स्पैम की वजह से बर्बाद हो गई थी बड़ी कंपनी. एंड उनकी क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं थी. याहू का जब हम सर्च यूज़ करते थे पूरे में एड्स भी होते थे, आर्टिकल्स भी होते. गूगल में इंटरफेस में सिर्फ आपको गूगल सर्च बार दिखता है, एंड गूगल के एल्गोरिथम इवॉल्व किया. सो दी ओनली सर्च इंजन दैट वॉज स्मार्ट इनफ टू स्टे अहेड. एंड जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि एल्गोरिदम लास्ट 10-12-15 साल में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है, एंड नाउ इट इज़ लाइट ईयर्स अहेड ऑफ एनी वन हु वॉन्ट्स टू मैनिपुलेट एंड गेम इट्स एल्गोरिदम. आप गूगल को बेवकूफ नहीं बना सकते, इट्स सुपर इंटेलिजेंट. तो गूगल का ये ऑब्जेक्टिव भी होता है कि कोई भी गूगल से आगे ना जाए, आउट स्मार्ट ना करे, एंड सो दैट इट इज़ इन कंट्रोल ऑफ द गेम. So to understand how Google works, let's do a query. Red car, आप Google में search करो. तो आप जैसे ही सर्च करते हो it shows so many results in 0.85 seconds, not even 1 second. So in few microseconds it says that there are so many number of pages in Google's knowledge that are potentially about red cars, जो कि red cars के बारे में हो सकते हैं. Google हमें सारे results दिखा देता है. तो does it mean when I search red cars, Google search so many pages और वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस इन फ्यू माइक्रोसेकेंड्स? क्या गूगल का ने तभी सर्च करके बताया? ऑफ कोर्स नॉट. ऐसा काफ़ी लोगों को लग सकता है, मुझे शायद इनिशियली लगता भी था कि एल्गोरिथम जब हम सर्च करते हैं तो ऑन द फ्लाई वो पेजेस को सर्च करके बता रहा है.
तो ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज ऐसा करने में इतने फ्यू सेकंड्स में नहीं कर सकता गूगल, एंड वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा कि अभी ऑन द फ्लाई सर्च करें सारी वेबसाइट्स को, तो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से रिजल्ट्स आपको इतनी जल्दी गूगल दे पाता है, वो समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गूगल्स इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग प्रोसेस, किस तरह से गूगल कॉन्टेंट ढूंढता है, इंडेक्स करता है और उसको रैंक करता है. अब इंडेक्सिंग रैंकिंग समझ में नहीं आ रही है तो डोंट वरी, आने वाली स्लाइड समझ में आ जाएगा इंडेक्सिंग क्या होती है. तो लेट्स थिंक अबाउट सिचुएशन कि आप एक फिज़िकल लाइब्रेरी में गए हो. आप जैसे हम पुराने ज़माने जो आई थिंक अभी भी बुक्स लाइब्रेरी होती हैं जहाँ पे हज़ारों लाखों बुक्स लगी होती हैं, एंड आप जाके वहाँ पे एक बुक रेंट करके लेके जाना चाहते हो. आपको कार्स के बारे में सीखना है, रेड कार्स, लेट्स से आप रेड कार्स या कोई भी आपका जो टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उस बारे में आप बुक्स लाइब्रेरी से रेंट करना चाहते हो. तो ऐसे सिनेरियो के बारे में आप सोचो, एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट, इस लाइब्रेरी में हमारी ये आंटी जी बैठे हैं एंड आपने इनसे बुक लेन करनी है, तो क्या प्रोसेस होगा? आप लाइब्रेरी में जाओगे, यू विल गो टू लाइब्रेरी एंड आस्क हर अबाउट द बुक नेम और बुक टॉपिक, कि मुझे इस बारे में, मुझे स्पेसिफिकली तो ये बुक चाहिए या मुझे इस टॉपिक के ऊपर बुक चाहिए. क्या वो विल शी गेट ऑफ हर चेयर एंड मैनुअली सर्च फॉर फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ बुक? ऑफ कोर्स नॉट, शी विल ओपन हर कंप्यूटर एंड ओपन सॉफ्टवेयर इन हर कंप्यूटर टू सर्च फॉर द बुक. क्या वो उठ के खुद जाएगी पूरे में बुक्स ढूंढेंगी? है आई डोंट थिंक ऐसा होगा. वो अपने कंप्यूटर में सर्च करेंगी कौन से बुक आपको चाहिए, क्या उनके डेटाबेस में है कंप्यूटर में, अगर है तो वो जाके आपको दे देंगे, अदरवाइज आपको मना कर देंगी. सो मे बी वॉट शी डेड कि आपके आने से पहले शी हैड लिस्टेड ऑल द बुक्स इन अ सॉफ्टवेयर. वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि आपके आने से पहले सारी बुक्स उन्होंने, उनके स्टाफ ने अपने कंप्यूटर में डाल दिया था. इफ शी फाइंड्स द बुक जो आप चाहते हो वो आपको दे देंगी, शी विल गिव इट टू यू. And if she does not find the book, she will give you a book about cars because she wants to help you as a member of the library. तो या तो अगर बुक मिलती है आपको दे देंगी रेड कार्स के बारे में, या फिर आपको कार्स के बारे में बुक दे देंगी. ये रेड कार्स पे तो कोई बुक नहीं मिल रही, ये कार्स के ऊपर है, ये आपको शायद हेल्पफुल रहेगी, आप इसे ले जाओ, तो आप उसको ले जाओगे. तो ये प्रोसेस होगा किसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में आप जाओगे तो बुक्स लेंड करने के लिए. तो अब कंपेयर करते हैं आंटी और गूगल को कि जिस तरह से आंटी ने आपको बुक दी गूगल किस तरह से बुक देता है. अगर आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा आपसे मैच करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, गूगल के बैकएंड पे क्या चल रहा है. तो कंपैरिजन ऐसे होगा, तो आंटी जो हैं वो गूगल हैं, आंटी का जो बुक का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है वो जो है वो गूगल का बॉट है, ठीक है. जो कि तो आंटी का सॉफ्टवेयर जो है वो बुक्स फाइंड कर रहा है, तो ये काम जो है वो जो गूगल का बॉट होता है, जो प्रोग्राम हो, जो भी, जो कि सॉफ्टवेयर ही होता है, वो भी एक प्रोग्रामिंग कोड होता है, वो जाता है और वेबसाइट्स को सर्च करता है और डेटा सेंटर्स में सेव कर देता है. तो आंटी बुक ढूंढती हैं अपने सॉफ्टवेयर पे और गूगल बॉट्स को यूज़ करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है. आंटी लिस्टेड बुक्स बिफोर यू केम, आंटी ने आपके आने से पहले, जो लाइब्रेरी में आंटी थी उन्होंने आपके आने से पहले जो बुक्स थी स्टोर करके रखी हैं, और गूगल अपने बॉट्स को भेज के, सॉफ्टवेयर को भेज के सारी जो वेबसाइट्स होती हैं जितनी भी उसको मिलती हैं उनको इंडेक्स करता है अपने पास. आंटी अपने सारे कंप्यूटर जो जितना भी बुक्स हैं उनको अपने कंप्यूटर में स्टोर करती हैं, जो डेटाबेस होता है आपका सॉफ्टवेयर स्टोर करा है, लेकिन वो कहाँ स्टोर करा है? आपके कंप्यूटर पर स्टोर करा है, आपकी हार्ड ड्राइव पर स्टोर करा है, आंटी की हार्ड ड्राइव पर स्टोर करा है. गूगल को जो जितना भी वेबसाइट्स मिलती हैं उनका कंटेंट मिलता है, सो कहाँ वो रजिस्टर करता है? वो अपने डेटा सेंटर्स में करता है. आंटी का जो कंप्यूटर है वो एक लाइब्रेरी में है, डेटा सेंटर्स पूरी दुनिया में है गूगल के. आंटी आपको जो बुक है वो हैंड ओवर कर देती है जो उनको मिलता है, और गूगल उनको रैंक करके रिजल्ट पेजेस पर दिखा देता है. तो मोर ऑर लेस ये हो रहा है. ऑब्वियसली थोड़ा एग्जैजरेट करो, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ प्रोसेस को, गूगल इससे कहीं ज़्यादा करता है, लेकिन बेस लेवल पे कंपैरिजन अगर आप करोगे तो बेस लेवल पे प्रोसेस ऑलमोस्ट काफ़ी आइडेंटिकल है. तो व्हाट्स क्रॉलर एंड हाउ डज अ क्रॉलर वर्क? तो इसमें से ज़रूरी है समझना कि ये जो क्रॉलर है ये क्या है, तो क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि आंटी आपके आने से पहले बुक शेल्फ्स पे गए या फिर उनके पास स्टॉक आया, उन्होंने हर स्टॉक को रजिस्टर किया, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस था. लेकिन अब बॉट तो कोई इंसान नहीं है ना, वो किस तरह से काम कर रहा है? तो बॉट क्या है और कैसे काम करता है?
तो व्हाट्स अ क्रॉलर एंड हाउ डज इट वर्क? गूगल स्पाइडर्स, क्रॉलर्स और बॉट्स आर नथिंग बट अ पीस ऑफ प्रोग्राम और कोड दैट क्रॉल्स वेबसाइट ऑन द इंटरनेट. एंड आई एड दैट एंड स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन इट फाइंड्स ऑन डेटा सेंटर्स. अगेन, डेटा सेंटर्स क्या होते हैं? सिंपल कंप्यूटर्स होते हैं जो गूगल पे, जिसमें गूगल इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है. तो अब कोशिश करते हैं समझने की कि स्पाइडर्स कैसे काम करते हैं, कैसे वेबसाइट स्क्रॉल करते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल फाउंडेशन है सर्च इंजन की, स्पेशली गूगल की, कि क्रॉलिंग कैसे होती है, इंडेक्सिंग कैसे होती है. तो मैंने ये इमेज बनाई है अपने कीनोट पे आपको समझाने के लिए किस तरह से गूगल को वेबसाइट्स मिलती हैं और कैसे उसको इंडेक्स करता है. ठीक है, तो देख के डरना नहीं, बहुत सिंपल है. मैं आपको बता दूँ क्या हो रहा है. तो लेट्स से एक वेबसाइट है जो गूगल को मिलती है. तो गूगल का स्पाइडर है जो कि एक प्रोग्रामिंग कोड है, जैसे मैं आपको बताया, सिंपल प्रोग्रामिंग कोड है. जो आपका फ्रेंड है प्रोग्रामर है ना, वो भी ऐसा कोड लिख सकता है कि जो कि वेबसाइट स्क्रॉल करे, वेबसाइट ओपन करे, उसके लिंक्स को फॉलो करे और आगे बढ़े. तो इट्स वेरी सिंपल कोड जो कि गूगल का ऑफकोर्स ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा, जो आपका फ्रेंड बना रहा है उससे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड होगा, लेकिन बेस लेवल पे सिमिलर कोड है जो कोई प्रोग्रामर लिख सकता है. तो गूगल का स्पाइडर जो है एक प्रोग्रामिंग कोड है जो बारी बारी वेबसाइट को खोलता है. वेबसाइट खोली और उसमें पहला वेबसाइट का पेज कौन सा खोलेगा? होम पेज मिलेगा. तो होम पेज पर देखेगा कितने लिंक्स हैं. तो लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री मैंने डाला है. देर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ लिंक ऑन वेबसाइट्स होम पेज. तो गूगल देखेगा लिंक वन जो है कहाँ जा रहा है, एक अंदर के पेज पे जा रहा है, एंड वहाँ से फिर एक और पेज पे, एंड ऐसे करते करते जैसे जैसे पेजेस को मिलते जाएंगे उसको वो स्टोर करता जाएगा. तो क्रॉलर आया होम पेज पे, नेविगेशन जितने लिंक्स थे उनको बारी बारी स्कैन किया. जैसे लिंक वन इंटरनल पेज पे जा रहा है, अंदर जैसे एक ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी. तो होम पेज पे आया, उसको लिंक वन मिला, लिंक वन जा रहा है एक रेड कार्स के पेज पे, जैसे कार्स के पेज पे, एंड कार्स के पेज पे उसने लिंक देखा तो वो रेड कार के पेज पे जा रहा है. तो लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट खोल. लेट्स से मैं आपको apple.com खोलता हूँ, apple.com. तो गूगल का स्पाइडर आया, उसने आईपैड पेज देखा. तो ये आईपैड, ये होम पेज जो हो गया, वो ये जो होम पेज खोल रहा है वो ये वाला पेज हो गया. इसके अंदर बहुत सारे लिंक्स हैं, जैसे आप देख रहे हो ये सारे लिंक्स हैं. तो लेट्स से इसको मैक का लिंक मिलता है, तो मैक का लिंक ये हो गया. अब मैक पे आने के बाद लेट्स लेट दिस टू लोड. इसके बाद इसको वॉच द फिल्म्स पेज मिलता है इंटरनल. मैक के अंदर फिल्म्स है, तो अंदर ये फिल्म्स का ये वाला पेज इसने रजिस्टर कर लिया. तो ऐसे करते करते इसको पेजेस मिलते जाएंगे और ये लोड करता जाएगा. एंड लेट्स से लिंक वन इंटरनल था, लिंक टू इंटरनल था, लिंक थ्री था उस किसी थर्ड वेबसाइट पर. लेट्स से लिंक थ्री जो था sony.com पे, discovery.com पे जा रहा है या विकीपीडिया पे जा रहा है. तो जो बॉट है वो अपने दूसरे बॉट को बोलेगा कि भाई मैं इसको इंडेक्स कर रहा हूँ, पूरी साइट बहुत बड़ी है, इसको इंडेक्स कर रहा हूँ, ऐसा कर तू जा और तू जाके इस वेबसाइट को इंडेक्स कर. तो वो जाएगा, चेक करेगा, इसी तरह से होम पेज खोलेगा, सारे पेजेस खोलेगा. है ज़रूरी होम पेज ही खोलेगा, हो सकता है उसको लिंक जो है किसी थर्ड पेज से मिल रहा है, लेकिन लिंक बाय लिंक बारी बारी लिंक पे क्लिक करता जाता है, खोलता जाता है जो सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर को इंडेक्स करता जाता है. इंडेक्स क्या होता है बताता हूँ क्या होता है, लेकिन क्रॉलिंग ऐसे हो रही है कि एक लिंक से दूसरे लिंक पे जा रहा है, तीसरे लिंक पे जा रहा है, चौथे लिंक पे जा रहा है, एंड फिर उसको थर्ड लिंक पे मिलता है कि एक तीसरी वेबसाइट मिल गई है. तो वो तीसरे स्पाइडर को बोलता है कि भाई ये वेबसाइट बड़ी है, इसको तू जा और जाके इसको क्रॉल कर, या अगर हो सकता है साइट छोटी हो तो सेम क्रॉलर जाके उसको ही क्रॉल कर ले. तो आई डोंट नो वो क्रॉलिंग किस तरह से होती, डिसाइड होती, बट द पॉइंट इज कि मल्टीपल स्पाइडर्स होते हैं, मल्टीपल क्रॉलर्स. तो क्रॉलर्स कह लो, स्पाइडर्स कह लो, बॉट्स कह लो, एक ही बात है. ये प्रोग्रामिंग कोड होता है जो बारी बारी वेबसाइट्स को खोलता जाता है और उनको लिंक्स को रजिस्टर करता जाता है. तो लेट्स से एक यहाँ मैंने एक हाईलाइट कर रखे हैं तीन. तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से अगर स्पाइडर आया, आके उसने होम पेज खोला, ले तीन लिंक्स मिले, तीन लिंक्स में उसको इस पे आया, ये पेज रजिस्टर कर लिया, इस पे आया, ये तीन पेज रजिस्टर कर लिया, बिकॉज ये लिंक्ड है, आपस में लिंकिंग हो रखी है. अब लिंक थर्ड पे आया, अब इसके बीच में कोई लिंकिंग नहीं है, तो क्या ये पेजेस इंडेक्स होंगे, गूगल को मिलेंगे? तो दी आंसर इज़ नो. अगर
इसकी लिंकिंग नहीं हो रखी है, लिंक थ्री से अब ये पेजेस हैं सर्वर पे पढ़े लेकिन इसकी लिंकिंग नहीं कर रखी, जो प्रोग्रामर था लिंक डालना भूल गया. फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ कुछ नहीं होता बिकॉज में हाइपर लिंक नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर वाले पेजेस जो होंगे वो गूगल इंडेक्स नहीं करेगा अनटिल वो साइट मैप XML में नहीं है कि कहीं और से गूगल को मिल गए. एंड हो सकता है इंडेक्स कर ले लेकिन इंपॉर्टेंस पता चलती है. अगर आपकी साइट पे पेजेस हैं जो कि लिंक नहीं है तो गूगल को पता चलता है कि आप लिंक नहीं करो, इसका मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग वो उसको रैंक भी नहीं करेगा. तो अगर आप जिस पेज को चाहते हो रैंक कराओ तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो लिंक भी हो. तो ये थोड़ा एडवांस स्टफ हो गया, हम रैंकिंग फैक्टर्स में इंटरनल लिंकिंग की जब बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन रफली आई थिंक आपको आइडिया हो गया कि क्रॉलर क्रॉलिंग कैसे कर रहा है. लेट्स से नाउ क्रॉलिंग करते करते अब डेटा सेंटर्स क्या होते हैं. डेटा सेंटर्स मैंने आपको बताया था कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ गूगल अपना लोकल जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है. तो जैसे जैसे क्रॉल करता जाता है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अपना नज़दीकी डेटा सेंटर होता है वो वहाँ पे वो भेज देता है. आई थिंक अब तो क्लाउड में नज़दीकी डज नॉट मैटर, सारा क्लाउड पे होता है गूगल का भी. तो जैसे जैसे साइट इन साइट को इंडेक्स किया, पेज इंडेक्स किए, तो इंडेक्सिंग इस प्रोसेस की पहले क्रॉल किया, जैसे इन्फॉर्मेशन जो भी मिली उसको डेटा सेंटर में भेज दिया, डेटा सेंटर में स्टोर हो गया, उसको इंडेक्सिंग कहते हैं. कि लिंक की होम वेबसाइट वन पूरी क्रॉल कर ली एंड डेटा सेंटर वन में चली गई, इंडेक्सिंग हो गई. फिर दूसरी वेबसाइट क्रॉल की, सारा इन्फॉर्मेशन डेटा सेंटर में भेज दी, दैट मीन्स इंडेक्सिंग हुई. तो इंडेक्सिंग को आप समझ सकते हो जैसे रजिस्टर करना हो गया, तो गूगल रजिस्टर करने के बजाय उसको इंडेक्सिंग बोलता है. तो इंडेक्सिंग मीन्स कि डेटा जो जो उस वेबसाइट पर मिल रहा है उसको गूगल ने अपने डेटा सेंटर में या अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लिया, दैट मीन्स वो इंडेक्स हो गया. तो वॉट इन्फॉर्मेशन दी स्पाइडर्स आर सेंडिंग टू दिस डेटा सेंटर्स, क्या इन्फॉर्मेशन है जो ये स्पाइडर्स भेज रहे हैं डेटा सेंटर पे? ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट इट नीड्स टू रैंक द वेबसाइट, कि वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन जो गूगल को चाहिए वेबसाइट की रैंकिंग डिसाइड करने के लिए, कि वन फर्स्ट पेज पे आएगा, ये टेंथ पेज पे आएगा, ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ये टेंथ पोजीशन पे आएगा, उसको डिसाइड करने जितनी इन्फॉर्मेशन गूगल को चाहिए वो सारा गूगल डेटा सेंटर से अपने स्टोर करता है. तो क्या इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैं रफली आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो कि मुझे अभी ध्यान आ रही है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही होती है कि डोमेन का क्या नेम है, वेबसाइट जो खोली थी क्या नाम है इसका, वेबसाइट कितनी पुरानी है, नंबर ऑफ पेजेस की कितने पेजेस हैं. आई थिंक इसमें एक फैक्टर जो मैंने नहीं लिखा, व्हेन वाज इट, अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेशन, कि कितनी फ्रीक्वेंटली वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है. यानी कि अगर गूगल का बॉट आज आया था फिर कल आया तो कंटेंट नया मिलता है, अगर उसको मिलता है तो वो कहता है चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आता है बॉट और उसको फिर से कंटेंट मिल जाता है. फॉर एग्जांपल ये बॉट आया इस वेबसाइट पे, उसको कुछ नया कंटेंट मिला, नया पेज मिल गया, तो फिर नेक्स्ट डे आएगा, फिर आके चेक करेगा नया कंटेंट है, अगर होगा तो फिर उसको स्टोर कर लेगा. तो उसको लगता है चलो दो दिन में फटाफट आ गया, ऐसा करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम 24 घंटे के बजाय 12 घंटे में आऊँगा. तो 12 घंटे बाद आता है, 12 घंटे बाद कहता है अरे वाह फिर से कंटेंट मिल गया नया. फिर वो कहता है कि यार मैं जितनी बार रहा हूँ नया कंटेंट मिला, लग रहा है न्यूज़ वेबसाइट है, हर घंटे कुछ पुश कर रहे हैं. तो क्रॉलर बारी जल्दी जल्दी आना शुरू कर देता है. तो जिस वेबसाइट पर कॉन्टेंट हफ्ते में महीने में एक बार पब्लिशर है, वहाँ जो बॉट है वो महीने में एक बार जाएगा, और जहाँ पर अगर रोज़ कॉन्टेंट हर महीने सॉरी हर दिन हर घंटे या हर 10 मिनट बाद नया कंटेंट जा रहा है वहाँ बॉट बार बार जाएगा. तो गूगल को पता होता है कि कहाँ पे उसने अपनी बैंडविड्थ लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी. बिकॉज फ्रॉम गूगल स्टैंड पॉइंट इट डज नॉट मेक सेंस फॉर गूगल टू सेंड इट्स क्रॉलर, बिकॉज वहाँ पे उसका सर्वर का बैंडविड्थ का रिसोर्स लगता है उसका. तो उसको बचाने के लिए गूगल, अगर आपकी वेबसाइट अपडेट ही नहीं हो रही महीनों से साल से पड़ा, आपने कुछ अपडेट ही नहीं किया, तो आपकी वेबसाइट पर रोज़ आके क्या करेगा? तो 6 महीने एक बार आएगा, महीने में एक बार आएगा. तो इस वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेशन भी इंपॉर्टेंट होती है. तो डोमेन नेम देखता है, डोमेन एज देखता है, कितने पेजेस हैं वेबसाइट पे देखता है, 100, 200, 300, 500. फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेशन कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है, कितने लिंक्स हैं वेबसाइट पे, कि बाहर से कितने लोग लिंक कर रहे हैं और इंटरनली क्या लिंकिंग हो रही है, व्हाट कीवर्ड्स अपीयर ऑन द वेबसाइट, क्या कीवर्ड्स अपीयर हो रहे हैं, हाउ दीज कीवर्ड्स रिपीट, किस तरह से कीवर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स हाइपरलिंक्स में आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स बाहर जा रहे हैं, किस सीक्वेंस में आ रहे हैं, एंड हाउ दीज कीवर्ड्स अपीयर इन प्लेसेस सच एज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, बॉडी,
किस तरह से कीवर्ड्स अपीयर हो रहे हैं एंड इन हाउ मेनी सेकंड्स वेबसाइट लोड. सो ऑल दीज फैक्टर्स जो कि गूगल के इंपॉर्टेंट है. अगेन अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है सो डोंट वरी, आगे आने वाली स्लाइड्स में इसको कवर करूँगा. लेकिन गूगल ऐसी इन्फॉर्मेशन को अपने इन डेटा सेंटर्स में अपडेट करता रहता है, डालता जाता है एंड बाद में जब आप कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल इस इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आपको रिजल्ट्स देता है. सो बेसिकली स्पाइडर सेंड एन एक्सरे ऑफ द वेबसाइट टू गूगल डेटा सेंटर्स इंक्लूडिंग ऑल्सो इन्फॉर्मेशन इट नीड्स टू प्रायोरिटाइज और रैंक द वेबसाइट्स फॉर इट्स यूजर्स सर्च क्वेरीज. तो जो भी सर्च क्वेरीज यूजर भेज रहा है उसके लिए प्रायोरिटाइज करने में उसको हेल्प मिलती है. तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके गूगल रैंकिंग डिसाइड करता है जो आप सर्च कर रहे हो. तो अगर हम देखते हैं कि गूगल किस तरह से काम कर रहा है, गूगल सेंड्स इट्स क्रॉलर्स टू क्रॉल द वेबसाइट्स, गूगल क्रॉलर scans the website to get all the information it requires. This process is called indexing. Google sends all the information to its data centers. सारी information जो मिल गई scan करके data center पर भेज दी and Google के data centers जो होते हैं they evaluate all the information and use it to rank the website for its users search queries. जो Google search कर रहा है उसके according से rank करते हैं. तो when I search for red cars, Google checks the information at my nearest inactive data center and turns all the results sorted based on its ranking algorithm. तो Google डेटा सेंटर पर सारी इन्फॉर्मेशन देखता है कि रेड कार से रेट कौन सी वेबसाइट्स हैं उसके पास, जो रजिस्टर कर रखी हैं उसने पहले से ही इंडेक्स्ड हैं एंड उसमें से रिजल्ट उसको मिलते हैं वो मुझे रिटर्न कर देता है. सो टू गिव यू बेटर कॉन्टेक्स्ट लेट्स सी वॉट गूगल्स क्रॉलर सी. सो अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है या लग रहा है कि गूगल क्रॉलर क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ गूगल क्रॉलर जब आता है तो वेबसाइट पे क्या देखता है. तो अगर आप वेबसाइट अगर apple.com खोलते हो तो आपको वेबसाइट ऐसी दिखेगी. तो मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ, apple.com ऐसी दिख रही है, करंटली डिज़ाइन इसका ऐसा है तो ये आपको ऐसी दिख रही है. और अगर आप देखना चाहते हो कि गूगल क्या देख रहा है तो आप कैशे apple.com करके सर्च करो. अब टेक्स्ट ओनली वर्जन देखते हैं तो ये गूगल की कैशे है, गूगल ने इस पेज को कैशे कर रखा है तो गूगल को ये इन्फॉर्मेशन दिख रही है. तो कहाँ आपको ये इमेजेस दिख रही हैं, आपको डिज़ाइन कलर्स बड़ा कलरफुल दिख रहा है, बट गूगल का बॉट जब आता है उसको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दिखती है, वो इसी में इंटरेस्टेड है. तो अगर मैं अब अंदर जाता हूँ लेट्स से आईपैड का पेज तो यहाँ आपको कॉन्टेंट दिख रहा है, लेकिन अगर आप कैशे चेक करते हो इसकी so this is what Google sees and this is what matters to Google. Google कोई JavaScript normally, I don't know, अब करता है नहीं करता, but JavaScript normally पार्स नहीं करता था, अब शायद थोड़ा कर लेता हो, iframes नहीं करता. तो कोड में जाके टेक्स्ट और लिंक्स देखता है और उसको और बाकी इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए वो अपना algorithm यूज़ करके अरेंज कर लेता है कि कितनी एज है या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ डेशन बाकी चीज़ें होती है. लेकिन क्रॉलर को ये देखता है और आपको ये देखता है, ठीक है. तो आपको करना चाहते हो जैसे मैंने बोला कैश लगा के गूगल पे सर्च करो किसी भी यूआरएल को, टेक्स्ट ओनली वर्जन पे क्लिक करो, आपको दिख जाएगा कि आपकी साइट गूगल को कैसे दिख रही है. सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस सेशन. आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई कि गूगल किस तरह से काम कर रहा है, जब आप कुछ सर्च क्वेरी कर रहे हो तो क्रॉलिंग इंडेक्सिंग और रैंकिंग का प्रोसेस क्या होता है. कमिंग वीडियोज़ में हम थोड़ा और एडवांस जाएंगे और समझेंगे कि वेबसाइट के रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से गूगल रिजल्ट इन रिजल्ट्स को जो डेटा सेंटर्स में इस इन्फॉर्मेशन को जो पुल कर रहा है उसको रैंकिंग कैसे करता है. ऑलराइट, सो आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.